हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है विवांता पर। और विवांता, जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस फेमस फॉर द इकोनॉमी क्लास। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर मैं डेली के डेली इकोनॉमी के बढ़िया बढ़िया वीडियोस डालता हूँ। और इट इज़ गुड फॉर द लाइक, अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर डेली आते हैं तो आज मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ 67 BPSC दोस्तों जो हुआ है अभी, और ये पेपर लीक हो चुका है। तो जो 67 BPSC लीक हुआ है, इसके इकोनॉमी के एनालिसिस, चलिए भले ही पेपर दोबारा हो लेकिन आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन पेपर में क्या आया है, जिससे आप लोग अपनी तैयारी को अगली क्लास में भी, अगले बार जब पेपर दें तो आप लोग इसी तरीके से तैयारी कर पाए। तो आइए, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन पूछा गया इकोनॉमी से, और क्वेश्चन था दोस्तों कि द बेस्ट इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज प्रोवाइडेड बाय। क्वेश्चन पूछा है कि जो देश की आर्थिक विकास है। हिंदी माध्यम के लिए भी ये वीडियो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो जो लोग बीपीएससी का पेपर दिए हैं, जो लोग देने वाले हैं, तो वो लोग इसको अच्छी तरह जरूर पढ़ के जाएं। तो क्वेश्चन पूछा गया कि आर्थिक विकास किसके द्वारा देश का दिया जाता है। तो अगर मैं आर्थिक विकास की बात करूं, तो देश के जो आर्थिक विकास की बात करी गई, तो सबसे मेन जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बताता है, तो वो बताता है ग्रोथ इन नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस। तो जब हम किसी भी देश की राष्ट्रीय आय को वर्तमान मूल्यों पर निकालते हैं, राष्ट्रीय आय को वर्तमान मूल्यों पर, तब हमें पता चलता है कि किसी देश का आर्थिक विकास कैसे हुआ है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने अपनी रेगुलर पेड बैच में करवा रखा है, इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो आप लोग इस टॉपिक को जरूर पढ़ें। और दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है 54th क्वेश्चन पूछा गया है, और कहा गया लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कराएं। तो अगर सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सरकारी कमीशन की, तो आप लोग देखिए सरकारी कमीशन के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, तो सरकारी कमीशन लाइक जो थी वो थी, ये देखिए यहाँ पर लिखा है बैंकिंग रेगुलेशन सेंट्रल स्टेट, बस यही आंसर है। तो ए का 3 है, तो केंद्र राज्यों के संबंध में थी। और दूसरा है कि सी रंगराजन कमेटी, तो जैसे कि आपको पता है इन्होंने गरीबी से संबंधित काम किया है, तो बी का 1 है। एंड पारेख कमेटी, तो हम पारेख कमेटी की बात करते हैं, तो इसने इंफ्रास्ट्रक्चरल फाइनेंसिंग संरचनात्मक वित्त से संबंधी बात करी है, तो ये हो गया 2nd। नरसिम्हन कमेटी सब जानते हैं, बैंकिंग रिफॉर्म से बैंकिंग क्षेत्र में जो परिवर्तन लाए गए इससे संबंधित है, तो ए का 3, बी का 1, ये भी देखिए करेक्ट आंसर हमारा ये मिल गया। 100% एक्यूरेसी है दोस्तों इस डिस्कशन में, 100% वो क्वेश्चंस लिए हैं मैंने, और 100% आंसर है। आप किसी भी आंसर की से मिला लीजिएगा, सारे के सारे बिल्कुल सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 52 भी पूछा गया है, और क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया कि जो भारत में स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, इसका जो ग्रामीण पार्ट है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पार्ट को कब से कब तक के लिए लागू करने के लिए कहा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है 2020-21 से 2024-25। तो आप ढूंढिए कहाँ लिखा है 2020-21 से 2024-25, ये देखिए मिल गया। बिल्कुल सिंगल लाइन का क्वेश्चन था, बहुत ही सरल सवाल था। 53 क्वेश्चन नंबर 53 में कहा गया राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्र विकास परिषद के बारे में। तो क्वेश्चन कहा गया कि राष्ट्र विकास परिषद में इनमें से, यहाँ देखिए पढ़िए, नॉट अ पार्ट, कि भारत में जो NDC है उसमें कौन सा हिस्सा नहीं है, इनमें से क्या नहीं आता है। तो आपसे ये पूछा गया नहीं, तो अगर मैं आप लोगों को बात बताऊं, तो देखिए नीति आयोग के जो सेक्रेटरी सचिव हैं ये होते हैं, ये तो होंगे। सेक्रेटरी ऑफ द प्लानिंग एंड द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री, दोस्तों जो हमारे देश में MoSPI है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड अलाइक प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, तो बता दें इसके भी सचिव होते हैं। वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, ये भी होते हैं। चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन, दोस्तों वित्त आयोग के अध्यक्ष का, जो वित्त आयोग के समय अध्यक्ष कौन है, NK सिंह। तो वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं इनका अप्लाई प्लानिंग कमीशन NDC में कोई काम नहीं होता है, तो ये हट गए लिस्ट से, तो आंसर इज डी। 55वां क्वेश्चन देखिए आप लोगों से पूछा गया, बहुत ही सरल सवाल है। अगर आपने एग्रीकल्चर का टॉपिक, कृषि का टॉपिक पढ़ के गए हैं, तो आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछा है कि आपको बढ़ते हुए क्रम में बताना है राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट। बढ़ते हुए क्रम में जब हम राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में होता है, तो वेस्ट बंगाल सबसे ज्यादा है। वेस्ट बंगाल के बाद अगर मैं बात करता हूं, तो उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है, उत्तर प्रदेश के बाद आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के बाद पंजाब। तो आप सीक्वेंस ढूंढ सकते हैं, वेस्ट बंगाल हो गया, वेस्ट बंगाल,
उत्तर प्रदेश, ये मिल गया उत्तर प्रदेश, ये भी उत्तर प्रदेश दिया गया है। देन अब बी एस सी में से एक होगा तो आंध्र प्रदेश ढूंढते हैं, तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल, नहीं, तो देखिए ये तो वेस्ट बंगाल था ही नहीं, करेक्ट आंसर इज बी, ये लो बिल्कुल सही करेक्ट आंसर मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 56, 56 देखिए दिया है विद रेफरेंस टू फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग के संदर्भ में, तो आप लोगों ने वित्त आयोग को पढ़ रखा होगा, आर्टिकल नंबर 280, 280 नंबर अनुच्छेद में आता है और एक संवैधानिक संस्था है। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है। तो पहला, फाइनेंस कमीशन इज अ स्टेचुटरी बॉडी, सांविधिक संस्था है, नहीं ये एक वित्तीय संस्था है, तो ये बिल्कुल ही गलत आंसर हो गया है। दूसरा क्वेश्चन, द फाइनेंस कमीशन वॉज सेट अप अंडर आर्टिकल 280, यस देखो मैंने लिखा है, सही आंसर है, ये हो गया गलत, ये सही। द रिकमेंडेशन मेड बाय द फाइनेंस कमीशन ओनली एडवाइजरी इन नेचर, तो अगर हम फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं तो ये एडवाइजरी होती है, बिल्कुल सही है, सलाहकारी होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि जो कहा गया वो मानना पड़ेगा, सलाहकारी होती है, बिल्कुल सही है। द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन वॉज सेटअप इन 1950, नो पहला फाइनेंस कमीशन 1951 से 1956 तक था। हाँ 22 नवंबर 1950, ध्यान समझना, 22 नवंबर 1950 फाइनेंस कमीशन बनाया गया था, तो ये आंसर गलत हो गया सेकंड एंड थर्ड, तो ये मिल गया सी, सेकंड एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, विद रेफरेंस टू बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स, जो बेयर नेसेसिटी सूचकांक है, तो इसमें कंसीडर द फॉलोइंग और करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है। तो जब बेयर नेसेसिटी इंडेक्स की बात करेंगे तो सबसे पहला स्टेटमेंट कि जो भारत का आर्थिक सर्वे है कम अप विद द बेयर नेसेसिटी इंडेक्स एट रूरल, ग्रामीण और अर्बन क्षेत्र में, बिल्कुल सही है कि भारत के आर्थिक सर्वेक्षण ने इसे ग्रामीण और शहर दोनों में बताया है। दूसरा, द बेयर नेसेसिटी इंडेक्स हैज क्रिएटेड फॉर ऑल द स्टेट फॉर 2018 ओनली, नहीं दोस्तों ये बिल्कुल गलत जवाब है, राइट। नेक्स्ट है, बेयर नेसेसिटी इंडेक्स इज बेस्ड ऑन 26 इंडेसेस, सही है, इसमें दोस्तों 26 इंडेसेस हैं, ध्यान से समझिएगा 26 इंडेसेस हैं एंड 5 डायमेंशंस में इसको बांटा गया है, 5 डायमेंशन। नेक्स्ट में लिखा 6 डायमेंशंस, ये गलत हो गया, तो इसका करेक्ट आंसर है पहला और तीसरा, ढूंढते हैं, ये है पहला और तीसरा, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस तरीके से क्वेश्चन पेपर आया मैंने क्रॉप करके बनाया हुआ है आप लोगों के लिए, तो अगर आप लोगों को क्वेश्चन दिखेगा नहीं तो मैं एक काम करता हूँ, क्या ये बड़ा होगा, बड़ा तो नहीं शायद हो सकता है, ये देखो, चलो ये देखो, टेक्नोलॉजी में हमेशा एक बड़ा तो हो गया लेकिन अब ये, अच्छा, ये लो, तो अब आपको क्वेश्चन आई होप दिख रहा होगा, क्वेश्चन है आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 58, सवाल पूछा गया आपसे क्या, जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखिए आप लोग, विच टाइप ऑफ बैंक इज प्रपोज्ड टू बी एस्टेब्लिश फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इन बिहार, कहा गया बिहार के कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए, बिहार के कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए इनमें से कौन सी बैंक बनाने की अभी हाल ही में बात करी है, तो इसका करेक्ट आंसर है कृषि यंत्र बैंक। तो हाल ही में कहा गया विकास, लाइक बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए एक कृषि यंत्र बैंक बनाई जाएंगी, तो ये बिल्कुल सही जवाब है इसका। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और जरा नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ये रहा इसका नेक्स्ट सवाल, ये देखिए आप लोगों से सवाल पूछा गया क्वेश्चन नंबर 59, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आया है, हिंदी में बताऊं तो मानव विकास सूचकांक, जो मानव विकास सूचकांक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, मानव विकास सूचकांक, क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों से कि मानव विकास सूचकांक में के बिहार का 2019 में कितनी वैल्यू थी, 2019 का पूछ लिया गया दोस्तों, 2 साल पहले, 2 ईयर्स बैक, मतलब ये क्वेश्चन तो इम्पॉसिबल था आप लोगों से डेफिनेटली, क्योंकि इतना दूर का तो कोई पढ़ के जाएगा नहीं, तो इसकी अगर मैं बात करूं तो वैल्यू है 0.536, इसकी वैल्यू 2019 में 0.536 थी, तो हम लोग कह सकते हैं कि 0.536 तो दोस्तों इसमें मुझे कहीं भी नहीं दिख रहा है, तो ये देखिए आप लोग, तो 0.536 तो मैं कहूंगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आप नन ऑफ दी अबव लगा दीजिए, कि मोर देन वन तो रहने दो, नन ऑफ दी अबव, हाँ अगर आप लाइक 536, तो देखिए ये भी हम बिल्कुल, ये भी वैल्यू नहीं थी और ये तो बिल्कुल नहीं थी, तो मैं आंसर दूंगा इसका ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुको रुको रुको, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जरा, नेक्स्ट सवाल आप लोगों का करवाते हैं, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, 60वां सवाल, राजकोषीय घाटा, हिंदी माध्यम के भाई बहनों के लिए राजकोषीय घाटा,
तो अगर हम राजकोषीय घाटे की बात करें दोस्तों, राजकोषीय घाटा तो जो फिस्कल डेफिसिट है इन बिहार, राजकोषीय घाटा 2021-22 में कितना अनुमानित किया गया बिहार में। तो देखिए एक बढ़िया बात है कि इस बार क्वेश्चन फिस्कल डेफिसिट से, मतलब दो क्वेश्चन पूछे हैं पीसीएस में बिहार के, एक तो पूछा गया बिहार का और एक तो पूछा गया पूरे इंडिया का, राइट। तो बिहार का अगर हम लोग बात करें 2021-22 में राजकोषीय घाटा कितना आने वाला है, कितने की बात करिए, तो कहा गया था अभी 22,511 करोड़ रुपए। तो अगर हम जीडीपी की बात करें, 22,511 है क्या ये देखिए, तो करेक्ट आंसर तो ये मिल गया। लेकिन अगर हम प्रतिशत में अगर आपसे पूछा जाता तो 2.97% ऑफ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, राइट। तो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कितना है ये, 2.97%, तो करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन आपको देखेगा नहीं इसलिए मैं थोड़ा सा बड़ा करूंगा, आई होप अब आपको क्वेश्चन विजिबल होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 को सॉल्व करते हैं। अंडर डिजिटल बिहार प्रोग्राम विच स्टूडेंट विल रिसीव द कंप्यूटर एडुकेशन एंड ट्रेनिंग फ्रॉम 21 से 22। देखो क्वेश्चन कहा गया कि 2021 से 22 बिहार में जो डिजिटल बिहार कार्यक्रम किया गया इसमें किस कक्षा के छात्रों को कंप्यूटर शिक्षा प्राप्त होगी और ट्रेनिंग प्राप्त होगी, तो इसका करेक्ट आंसर है 6th क्लास एंड अबव, 6 एवं उससे ऊपर। तो इसमें लिखा ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास 5 6, नहीं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, या तो हम दे सकते हैं 6 एंड अबव, तो ये तो आप मोर देन वन कह लो क्योंकि ये 6 भी है 7 भी 8 भी है, तो इसका आंसर ये तो कहेंगे नन ऑफ दी अबव, तो ई, क्योंकि करेक्ट आंसर है 6 से और उससे ज्यादा। चलिए दोस्तों उम्मीद है कि आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट सवाल आप लोगों से पूछा गया क्वेश्चन नंबर 62। अकॉर्डिंग टू द 15वां वित्त आयोग के रिकमेंडेशन के तहत बिहार को कितना डिविजिबल पूल में केंद्र करों का मिलेगा। जैसे कि आपको पता है कि 41% 15वें वित्त आयोग ने कहा है कि राज्यों को दो, 41% राज्यों को दो, तो बिहार के लिए ये कहा गया है। अगर हम सिर्फ बिहार की बात करें तो बिहार के लिए कितना कहा गया है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बिहार के लिए कहा गया 10.058, इतने परसेंट बिहार को जाएगा। इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है, आई विल गो विद द ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये 41% का इतना बिहार का हिस्सा होगा। नेक्स्ट सवाल आप लोगों के सामने ये रहा क्वेश्चन नंबर 63। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट, देखो कहा कौन इनमें से 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है। तो अशोक लहरी सदस्य हैं, सुदीप्त तो मुंडले ये सदस्य नहीं है, क्योंकि सुदीप्त तो मुंडले की बात करें तो ये चेयरमैन है इस समय, या हम कहें हेड है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के, सुदीप्त तो मुंडले। तो ये गलत आंसर, रमेश चंद्र हैं, अजय नारायण हैं। इनके अलावा अगर और भी नाम आ जाए तो डॉक्टर अनूप सिंह, अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, डॉक्टर अनूप सिंह भी इसके सदस्य हैं। और अगर मैं कहूं कि जो इसके सेक्रेटरी हैं, इसके जो सचिव हैं वो हैं अरविंद मेहता, तो अरविंद मेहता इसके सचिव हैं। इनके अलावा मैं वो नाम बता रहा हूं, और चेयरमैन तो आपको मैंने बता ही दिया, एनके सिंह साहब हैं। चलिए मतलब देखिए फाइनेंस कमीशन को अच्छी तरह करके जाना है, 3-4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं एटलीस्ट फाइनेंस कमीशन से। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जो बीपीएससी में पूछा गया, नहीं सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि क्वेश्चन नंबर 64। इन द रीसेंट यूनियन बजट, जैसे मैंने कहा था वित्त मंत्री ने जो इंश्योरेंस, मतलब जो इंश्योरेंस क्षेत्र है, इंश्योरेंस सेक्टर जो है, पूछा गया आपसे कि इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई की लिमिट पूछी गई है, तो पहले 49% थी, अब बढ़ाकर 74% कर दी गई है, तो ये करेक्ट आंसर है इसका 74%। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट सवाल दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65। एज पर द यूनियन बजट 2021 राजकोषीय घाटा कितना रहा है, अनुमान है तो 6.8% का, ये तो आपको मैंने कहा। देखिए आप लोग कोशिश करिए कि आप लोग फाइनेंस कमीशन पढ़ के जाएं, अगले बार बजट पढ़ के जाएं, और आप प्लानिंग वाला चैप्टर पढ़ के जाएं और बैंकिंग वाला चैप्टर पढ़ के जाएं, मतलब ये बिहार मेन फोकस दे रहा है, और बिहार की जितनी भी इकोनॉमी का नया, बिहार में जितने भी प्रोग्राम्स हैं, बिहार में जो भी नया हो रहा है, तो पूरी की पूरी बिहार की इकोनॉमी कवर करके जाएं। तो आपको मेरे इस चैनल पर इकोनॉमी से रिलेटेड वीडियोस मिलते हैं, उम्मीद है कि आप लोगों ने इस वीडियो को सराहा होगा। अगर आपको अच्छा वीडियो लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और
और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखें, लेट्स क्रैक इट। जय हिंद।